है तो वो बारूद है, किसी और का हाथ में नहीं है। वो बारूद क्या है? योस, हमारा हाथ में है, हम उसको मोल्ड करेगा। तो हम उसको इन एडिशन टू दी नॉर्मल सर्टिफिकेट वी हैव टू गिव देम, इंस्पायर देम एंड गिव देम सम एक्स्ट्रा स्किल आल्सो एंड इंस्पायर देम टू बिकम ए बेटर इंडियन, टू बिकम ए बेटर पर्सन, ए बेटर टीचर, बेटर स्टूडेंट, ए बेटर स्पीकर। वो भी बोला बहुत अच्छा है, वो स्पीक करना ना बहुत अच्छा, उसमें भी इंटरेस्ट बन सकते हैं। तो जो भी है बेटर बेटर बेटर, सिर्फ आगे चलिए। सिर्फ यही है विकसित भारत का, वो 15 अगस्त 23 में पहले बोला था एंड 11 अब थोड़ा जाते रहे, 11 ऑफ दिसंबर में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा 140 देशवासियों, ऑल ऑफ यू इज योर टाइम, योर ड्यूटी। अब बोलेगा तो इलेक्शन का वोट का नहीं कर रहा है, वो सेकेंडरी बात है, पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल सेकेंडरी बात है। वो तो कोई करेगा कांग्रेस की, वी आर नॉट कंसर्न ऑल दिस थिंग, हम कंसर्न आवर गवर्नमेंट इज दैट एंड व्हाट इज गारंटी 1947 मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, व्हाट मैं गारंटी इन 1947 सॉरी 2047 में बीजेपी इन पावर। बीजेपी कांग्रेस ऑफ इंडिया ही है ना, हमारे है कोई ना कोई रहेगा, लेकिन उसमें हमारा आधी से फ्रॉम नाउ यू हैव टू ड्रीम द विजन, द फोकस ऑन दैट, दैट व्हाट इट विल बी, क्या होगा, यस यस क्या होगा। वो उसके लिए मैं ये श्लोक बोलकर बारी को विराम देंगे। देखिए जब डिप्रेस हो गया अर्जुन जी, कुछ नहीं करेगा, ये मेरा अपना है, कैसे कैसे मानूंगा, ये मेरा भाई मेरा गुरु है। तो श्री कृष्ण ने जो बोला, हो सकता है क्रूएल लगता है कि आपने भाई को अपना गुरु को मारने बोला, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखिए ना, अपना उस थॉट्स उसमें मैंने लिखा है, इट कैन नॉट बी गुड बट आई डिक्लेयर ही, तो उसमें भी लिखा है कि किसी ने डिप्रेस हो गया, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये मैसेज देने के बाद में दैट कैरेक्टर कैसे डेवलप हो गया, उसी इसी में स्टोरी बनाया। तो स्टूडेंट का ये सबसे बड़ा दायित्व तो है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स, यो विकसित भारत मेनली डिपेंड्स ऑन यो ऑल ओवर द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन इंडिया, यू हैव सीन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यो इज आल्सो हाईएस्ट नंबर इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज नॉट, सो द अदर कंट्रीज आल्सो लुकिंग एट इंडिया फॉर फ्यूचर एंड इंडिया लुकिंग फॉर अदर कंट्रीज, बिकॉज इंडिया इज नॉट फॉर इंडिया ओनली। इंडिया का जो मोटो, जो एडवर्टाइजमेंट, जो पब्लिसिटी आउटसाइड इंडिया में है, उसके बारे में एक बात मैं कुछ बड़ा सबको पता है। इससे पहले एक एग्जाम्पल है, बॉडी बिल्डिंग का 2019 जून में मैं साउथ कोरिया गया था, तो मैं जब तालाड़ी पे गया था तो पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज के, मैं मुझे आप कौन व्हिच कंट्री यू कमिंग फ्रॉम, समवन सेड आई एम फ्रॉम अमेरिका, तो मैं आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जस्ट दे आस्क मी व्हिच कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम, मैं छोटा था बड़ा बड़ा, तो व्हिच कंट्री यू कमिंग फ्रॉम, एज इफ आई एम फ्रॉम इंडिया। डियर फ्रेंड्स, the moment they said I am from India, all the people came, those people, those fellow participants, I said, oh India, spiritual country, great country, we love India, we have to visit India. So this publicity is India. मैं बोल रहा 7th of India back, क्या 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 आज भी चल रहा है, उसको छोड़ के क्या कर रही है, मैं सुना था आपको संस्कृत में, और हम नहीं जो पर भाई थी करना लोग बच्चे थे शाम उदार थे करना हम तो बस रोई को कर दूंगा, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना नहीं है, वो हाँ आपका है, वो अपना इस मीन नहीं है, पीपल इंडिया इज नॉट दैट, इंडिया उदार के तरह ना, सो इंडिया इज वसुधैव कुटुंबकम G20 में आए, वन फैमिली वन हार्ट, दिस इज इट एंड वसुधैव कुटुंबकम, दिस इज इट। सो मोदी जी ने बोला है कि हम भी टीचर्स है, एजुकेशन सिचुएशन अब यह कि जितना जोड़ा आज जितना है, ऐसी कोई है क्या डायरेक्टली एजुकेशन में जोड़ा नहीं है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई वाइस भाई चेस लड़ाई से है मोस्टली एजुकेटेड एंड मोदी जी इज टारगेटिंग अस मींस दोज हु